नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। डॉक्टर की लापरवाही से एक और गई जान। खेत्रपाल हॉस्पिटल में 8 अक्टूबर को अमर ठाकुर ने अपनी पत्नी कोमल ठाकुर को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जहां मृतक कोमल के पहले से एक बच्चे हैं और दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए कोमल ठाकुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजधानी दिल्ली के रमेश नगर व बाली नगर इलाके में स्थित खेत्रपाल अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती महिला की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा प्रदर्शन किया। परिजन प्रदर्शन कर आरोपी डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने रोड को जाम रखा और अस्पताल के खिलाफ रोष प्रकट किया। खेत्रपाल हॉस्पिटल के बाहर मृतक महिला के परिजन कर रहे हैं प्रदर्शन। इस दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। इनका बच्चा है, उसको लेके कहाँ जाएंगे? मर्डर हुआ है। कौन रखेगा बच्चे के? 12 लाख रुपए कर्ज लेके इंसान किराए पे रहता है, इस इंसान ने दिया है, कहाँ जाएंगे हम? उसका मर्डर किया, 60 यूनिट खून दिया हमने, फिर भी इनको शर्म नहीं है। बेमान काम चोरों को, मेरी बहन को मार दिया, 8 दिन का बच्चा है, कर्ज लेके इसके बीवी का इलाज करवाया, फिर भी ठीक नहीं किया इन लोगों ने। 12 लाख रुपए इसको दिया, इसके जेब भर है, फिर भी बॉडी नहीं देने को तैयार थे ये लोग। पूरी बॉडी पे कट्टे, पूरी बॉडी सूजन, इतने मोटे मोटे पैर हो गए उसके, किडनी में सूजन है, पता नहीं 10 तो ऑपरेशन किया उनका, बच्चेदानी में पता नहीं कौन सा कट लगा दिया है, फिर भी पता नहीं। आतंकवादी से भी बुरे ये लोग, आतंकवादी से भी गए गुजरे हैं, लोगों को लूट रहे, गरीबों को पैसे लेके बिल्डिंग बनाया इन्होंने। चल जाएगी ये बिल्डिंग, चल जाएगी। बंद करो भाई, बंद करो।